जयपुर के गणपति प्लाजा में आयकर विभाग की कार्यवाही जारी। प्राइवेट लॉकर संचालक रोयरा सेफ्टी वॉल्ट पर कार्यवाही। आयकर अधिकारियों ने अब तक खंगाले 650 से ज्यादा लॉकर्स। इन सभी लॉकर्स की चाबियां प्राइवेट लॉकर संचालकों के पास में थी और अभी तक की जानकारी के मुताबिक सभी लॉकर्स खाली मिले हैं। रोयरा सेफ्टी वॉल्ट में बताए जा रहे करीब 1100 लॉकर्स गोदरेज कंपनी के लॉकर्स की जांच में ईडी की टीम जुटी हुई है और करीब 450 लॉकर्स के आवंटन दस्तावेज की जांच की जा रही है। वॉल्ट कर्मचारियों के अनुसार कुछ लॉकर्स किसी को आवंटित नहीं है और ऐसे लॉकर्स की चाबियां नहीं मिली। आयकर अधिकारियों को गोदरेज कंपनी के कर्मचारियों से खुलवाए जाएंगे ऐसे लॉकर्स और लॉकर्स के केवाईसी दस्तावेज की जांच के आधार पर धारकों को नोटिस दिए जाएंगे। और हमारे साथ सहयोगी सुनील यादव इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुनील, अपडेट दे दीजिए, क्या कुछ रहने वाला है आगे? जी बिल्कुल मेगा, देखिए कि करीब 30 घंटे हो चुके हैं कार्रवाई हो रही है, कल से कार्रवाई जारी थी और अभी तक तमाम जो लॉकर खोले गए उन लॉकर्स में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिस तरह का दावा किया जा रहा था। क्योंकि ये मामला कल शुरू हुआ था, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यह दावा किया था कि इन लॉकर्स में 500 करोड़ रुपये का काला धन छुपा हुआ है। साथ ही साथ जो इसमें कुछ ज्वेलरी भी है जिसमें सोना उन्होंने खासतौर पर बताया था कि 20 से 30 किलो यहाँ सोना भी हो सकता है। उसके बाद वो यहाँ पर धरने पर बैठे थे और लगातार जो टीमें जाँच कर रही है इसमें जो सबसे पहले जो ईडी जब पहुंची थी तो जो ईडी ने कल सुबह सिकंजा कसा था छत्रपाल सिंह एक जो उद्योगपति हैं उसके ठिकानों पर, वहीं से फिर किरोड़ी लाल मीणा बोले थे कि छत्रपाल सिंह के जो लॉकर्स हैं वो यहाँ गणपति प्लाजा के जो रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स है इसमें उनके लॉकर्स हो सकते हैं। और उसके बाद ईडी यहाँ पहुंची और उन तीनों लॉकर्स को जब खंगाला गया तो वो तीनों लॉकर बिल्कुल खाली मिले। ऐसे में जो किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया था कि यहाँ पर करीब 1100 लॉकर इसमें 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है, इसी दावे के आधार पर जो ईडी और इनकम टैक्स की टीम यहां पर पहुंची थी और उसके बाद लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि ईडी की जो अधिकारी रात को कार्रवाई करके चले गए थे और इनकम टैक्स की टीम लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही है और अभी तक जारी है। ऐसे में 1100 लॉकर्स में 700 लॉकर्स को खोला जा चुका है, लॉकर सारे खाली मिले, बाकी करीबन 400 लॉकर्स अभी शेष है जिनमें से ज्यादातर ऐसे हैं कि उनकी चाबी यहां पर नहीं है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये जो यहां पर जो लॉकर है वो गोदरेज कंपनी के लॉकर्स बताए जा रहे हैं। उन लॉकर की जो तमाम जो चाबियां हैं गोदरेज कंपनी से मंगवाई जाएगी और इनको ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा और उसके बाद अगर किसी तरह की कोई बात आएगी तो इनकम टैक्स के जो नॉर्म्स हैं, जो कानून और नियम कायदे हैं उसके तहत नोटिस दिया जाएगा। ये जो 400 लॉकर्स बचे हुए हैं उन लॉकर्स में वो लॉकर्स हैं किसके और क्या उनको नोटिस दिया गया है, उसको लेकर कोई उनसे बातचीत हुई है और उनके जो मालिक हैं उनको यहाँ आने के लिए प्रेजेंट रहने के लिए कहा गया है? जी मेगा बिल्कुल, इसको समझना होगा कि जो 700 लॉकर खुले हैं वहाँ किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं मिली। जो शेष 400 हैं उनमें से कुछ लॉकर ऐसे हैं जिनकी चाबियां नहीं हैं, जिनकी चाबियां हैं संभवतया सहमति के बाद जो आयकर विभाग की जो नॉर्म्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स का दस्तावेज किया जाएगा कि जो माफ कीजिएगा कि जो दस्तावेज उनकी जाँच की जाएगी कि किस तरह का जो लेन देन यहाँ पर किया गया, किस तरह की संपत्ति है और किसके ये लॉकर हैं। अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसके बाद इनकम टैक्स वहाँ उन जो खाता धारक हैं जो लॉकर धारक हैं उनको संभवतः नोटिस देगा और उसके बाद ये खोले जाएंगे। लेकिन इन जो बाकी 400 बचे इन 400 में से अधिकतर लॉकर ऐसे भी हैं जिनकी चाबियां फिलहाल ना इनकम टैक्स को मिली है और ना ही जो ये कंपनी जो संचालन कर रही है रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स इसके पास भी उनकी चाबी नहीं मिली है। ऐसे में हो सकता है कि जिनकी चाबी नहीं है वो संदेह